तमस्तु अज्ञान संविद्धि मौनम सर्वदेहिनाम परमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञान संविद्धि मौनम सर्वदेहिनाम परमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। ओके, पढ़िए सुरवती प्रभु, उस समय तो आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की। ओके प्रभु जी। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालश्राभि तत्निबद्धन्ति भारत। हरि बोल। यस और तमस्तु ज्ञानं जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालश्य निद्राभि निबद्धन्ति भारत। संतोष प्रभु और कोई पढ़ेंगे प्रभु जी लोगों में से? हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तनिबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमस्तु ज्ञानं जं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभि तत्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। तमस्तु ज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण प्रभुजी। तमसत्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस् तन निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमसत्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस् तन निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। शब्दार्थ तमः तमोगुण तो, लेकिन अज्ञान जम अज्ञान से उत्पन्न विद्धि जानो मोनम मोह सर्वदेहिनाम समझ देधारी जीवों का प्रमाद पागलपन आलस्य आलस निद्रा भी तथा नींद द्वारा तत् वह निबध्नाति बांधता है भारत। हे भरत पुत्र। फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि मोनम सर्वदेहिनाम परमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। इसको श्लोक जाना पहचाना सा लग रहा है। अरुण कुमार मिश्रा जी आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लग रहा है। अच्छा आपको भी लग रहा है। और किसको किसको लग रहा है भाई? थोड़ा सा कहीं कहीं पुराना रिश्ता या फिर ऐसा एक टूटा टूटा सा रिश्ता या एक ऐसा रिश्तेदार जहां कभी कभी चले जाते हैं, जाना जाना सा लग रहा है इस लोग। लगना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, देखिए इसको। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि, तुम ये जानो कि तमोगुण जो है यह पूरी तरह अज्ञान से उत्पन्न होता है। किससे? अज्ञान से। अज्ञान मतलब अविद्या, अपने स्वरूप को पूरी तरह से अनबोध अनाबोध अवस्था,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं। इसे तो बोला गया प्रमाद, मतलब पागलपन, पागल पहचानता है मैं कौन हूं, नहीं पहचानता है। अब यहां पर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण आया है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, तमस्तु अज्ञान जम्बिद्धि, तू, और तू मतलब क्या होता है, क्या होता है तू मतलब संस्कृत में, लेकिन क्या होता है, लेकिन। देखते नहीं वहां शब्दार्थ में लिखा हुआ है, नोट्स क्या कर रहे हो संकृत में वो। तो तू मतलब लेकिन, लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तमस्तु अज्ञान जम्बिद्धि, मतलब तुम ये जानो ये जो गुण है यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। तू मतलब लेकिन यह बहुत ही ज्यादा खराब है, समझ रहे हैं, यह बहुत ही ज्यादा खराब है कह रहे हैं। तमोगुण तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ऐसा कह रहे हैं। तमोगुण तो एकदम, समझते हैं, एकदम अज्ञान से ही उत्पन्न होता है और जीव को पूरी तरह से क्या कर देता है, मोहित कर देता है पूरा तरह से, वो समझ ही नहीं पाता है। शंकर प्रभु, मुझे कितना समय बाहर रहना चाहिए, कितना समय अंदर रहना चाहिए, मैं कौन हूं, यू नो व्हाई आई एम हियर, वो समझ ही नहीं पाता है। समझ रहे हैं विश्वजीत प्रभु, मोहनम सर्वदेहिनाम, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके बाद तमोगुण का व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप मतलब ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते उसके साथ कि वह क्या कर सकता है। अभी मैं दूंगा आपको कुछ घृणित उदाहरण, बोले प्रभु जी हाउ कुड दिस पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। मोहनम सर्वदेहिनाम मतलब जो वस्तु जिस तरह से है वह उस तरह से दिखाई नहीं पड़ती, उल्टा ही दिखाई पड़ती है उसको, है ना, उसको ऐसा लगता है प्रभु जी हमको बोल रहे हैं जप करने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ गलत बात होगा। लगता है ना ऐसा, फिर गीता पढ़ने बोल रहे हैं जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार, समझ रहे हैं, उल्टा ही दिखाई पड़ती है। उनका कुछ फायदा होगा, ऐसे थोड़ी ऐसा, अच्छा बताओ ऐसे क्यों बुलाएगा कोई अपने क्लास में, क्यों संडे को फिश प्रसाद खिलाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हो शंकर प्रभु, ऐसा ही लगेगा, मतलब क्या लगेगा उसको, अरे बुलाते भी हैं प्रसाद भी देते हैं बिठा करके जब भी कराते हैं, अपना ग्रुप जो बढ़ाना है उसको है, अपना टीम जो बढ़ाना है, अरे ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है ना, लोग बस यही सब करते रहता है, इसके ग्रुप के लिए अच्छा है इसलिए ऐसे कर रहा है ये, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, समझ रहे, इसीलिए अब बोलते हैं, हम बोलते हैं भक्तों को, हमने देखा ना कितने बच्चे आए थे संडे को, हमने बोल, लेकिन कितने लोग उसमें जब शुरू किया करना, 4 to 5 स्टूडेंट्स, यू नो ओनली 4 to 5 स्टूडेंट्स, और कुछ को क्या लग रहा होगा, बहुत समय ले लिया, दिन भर तो घर पे जाकर पढ़ते ही रहता, आप जानते ही हैं। मैं कल ही बोल रहा था आप भी कितना पढ़ते हो, तो आप ही देख रहा हूं मैं कितना पढ़ते हो आप। तो उल्टा ही उसको दिखाई पड़ता है, ठीक है, आपने देखा है, एक चीज देखिए, भिखारी को कभी देखा है आपने, भिखारी को देखा है, भिखारी के बैग में फूड रहता है, खाना रहता है, अब उसको कुछ फ्रेश फूड दो तो क्या करेगा, रख देगा और खाएगा क्या, जो उसके थैले में खराब पड़ा है वो वाला, समझ रहे मेरी बात को। एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति, एक भिखारी को उन्होंने एक बार ऐसे महाप्रसाद केक दिया, ठीक है, तो उसने केक लिया और उसको क्या किया, बैग में रख दिया और खाया क्यों, जो पहले उसके पास सड़ा पचा था वो खा रहा था, देखा है कभी ऐसा, देखे हैं प्रभु जी, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है, पूरा अज्ञान में है, समझ रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इसके ऊपर उनके जीवन की घटना है, ठीक है ना, तमोगुण को बताते हैं वो, बहुत ही घृणित है, सुनना चाहेंगे आप लोग, सुनेंगे, बहुत ही गंदा है, सुनो। तो एक बार हुआ, अगर आप लोगों को दाल में घी की छौंक लगा के दिया जाए तो क्या रहेगा, पड़ोसी कहाँ है जल्दी लाओ, अब कल से घी वाला छौंक लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा होगा प्रसाद के लिए। तो मैं खाली बोल रहा था कि वो दाल में घी का छौंक रहता है तो कितनी खुशबू आती है ना,
और जीरा डाल करके उसमें, तो बहुत अच्छा होता है। तो एक बार वह बर्मा गए थे, कहाँ गए थे, और वह गरम गरम पूड़ियां तलवा रहे थे, इसमें क्या कहते हैं इसको, घी में तलवा रहे थे, बनवा रहे थे। तो वहां के लोग बोल रहे हैं, क्या बदबू आ रही है, छी, ओ माय गॉड, कैसे इसको खाते हैं, अब बताओ, घी उनको बदबू लग रही है। अब उनको अच्छा क्या लगता है मालूम है, सब लोगों को पता है वो क्या करते हैं मालूम है, छिपकली का अचार बनाते, और उसको उस प्रकार से नहीं बनाते जैसे हम लोग आम का बनाते हैं या फिर इस प्रकार, वो नहीं, वो छिपकली को मारकर उसको पानी में डाल देते हैं, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसके बॉडी से बुलबुला निकलने लगता है, पूरा स्मेल करता है, और उसको उठा करके जब वो खाना बना लेते हैं तो उस पर छिड़क देते हैं, डाल देते हैं, वाह क्या खुशबू है। तो ये क्या है, घोर तमोगुण का लक्षण है, समझ रहे हैं, घोर तमोगुण का लक्षण है, एकदम से अज्ञान में डालने वाला है, एकदम अज्ञान है। और इसका क्या प्रभाव है, देखिए तो थोड़ा प्रभाव क्या है, बड़ा अद्भुत है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, क्या है, बोला बोलो बोलो एक बार जोर से बोलो, शंकर प्रभु बोलो जोर से लाउडली, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, आपकी आवाज मतलब आप ही सुनते हो, मैं तो सुन नहीं पा रहा क्या है इसका प्रमाद, प्रमाद मतलब कोई कार्य पता है कि करना है लेकिन नहीं करेंगे, पागलपन, आलस्य है ना, आलस्य तो समझ ही रहे हो, और एक निद्रा, निद्रा मतलब समझते हैं, नींद आ रही है, जब कर रही, जब करनी है प्रभु जी 5 बजे से, आधा घंटा और सो लेता हूं प्रभु जी, एक बार और आप उठाओगे ना तो उठ जाऊंगा, समझ रहे हैं, किसका लक्षण है अपना लक्षण नहीं देख, अपना लक्षण देखना है, दूसरे का इंडिकेट नहीं करना है सुंदर प्रभु का, अच्छा दो दरबार उठाना पड़ता है ध्यान रहे, समझ गए ना तमोगुण के क्या लक्षण है ना, आलस्य, प्रमाद, करना है लेकिन नहीं करना है, नहीं करेंगे, आलस्य अरे छोड़ो ना ये प्रभु जी को, अलग करेंगे देख लो प्रभु जी बहुत थका हुआ लग रहा है, और एक खर्राटा नींद, ठीक है ध्यान रखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, जहां पर आप आए हो वहां पर कोई भी आ सकता है, लेकिन यहां पर वही कंटिन्यू कर पाएगा जो सतोगुण में जाने का प्रयास कर रहा है, फिक्स इट ऑन योर माइंड, ठीक है, अगर कभी जाने की इच्छा करे तो सोचना चाहिए कि भाई किधर जा रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर हुआ था फिर किधर से जा रहा हूं, फिर यू टर्न ले लिया है मैंने, क्या ले लिया है, यू टर्न ले लिया, अब मैं बैक जा रहा हूं कहां पे, पुनः तमोगुण की ओर। एक तो चीज महसूस करते होंगे आप यहां रहते हुए कि भाई कुछ ना कुछ एक माहौल मिलता है ना, तो अगर भक्ति कंटिन्यू करना है, ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग जो क्लास सुन रहे हैं, अगर भक्ति कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट हमें सत्वगुण के स्तर पर तो होना ही पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम सत्वगुणी बनने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ऊपर की ओर उठना ही पड़ेगा, अगर फ्लाइट नीचे ही रेंगते रहे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाके फ्लाइट के वो जो एयरपोर्ट का जो ये है क्या कहते हैं उसको, दीवार लगेगा उसमें टकरा जाएगा, इसलिए उसको उड़ना पड़ेगा, रिगार्डिंग में समझ रहे, तो इस प्रकार से उसे करना पड़े, ठीक है, तो सतोगुण का अनुशीलन करें, सतोगुण में है नहीं लेकिन उसका अनुशीलन करें, और सतोगुण का अनुशीलन करने का अर्थ क्या है, सवेरे 3:30 बजे उठ जाना, कितने बजे 3:30 बजे उठ जाना, सोना 8-8:30 बजे तक सो जाना, 9 बजे मैक्सिमम 9, बहुत ज्यादा बिजी हो मैक्स टू मैक्स 10, 10 कभी भी क्रॉस नहीं करना,
एकदम 10 PM इज इनफ, यू नो 10 PM में मुझे बेड पे होना ही चाहिए, मतलब एकदम समझ रहे हैं, डेड लाइन हो गया, अब थोड़ा सा बढ़े कि एक्सीडेंट हो जाएगा, और उठना चाहिए 3:30 बजे, जोड़ो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 से 7 घंटा हो गया, समझ रहे किस प्रकार से आराम से सो सकते हैं हम लोग, आराम से उठ सकते हैं, सोता तो हर कोई 7-8 बजे है, लेकिन क्या तमोगुण हो करके 12-1 बजे सोएंगे। और ध्यान रखिए, जितना आप रात को विलंब करते जाएंगे, ध्यान रखिए गृहस्थ हो या फिर बैचलर जो भी हैं, बच्चे पढ़ाई करते हुए जो है, जितना आप विलंब करते जाएंगे रात को, तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। एक चीज और नोट करिए आप लोग, एवरीबॉडी नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण, एकदम नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और केवल आपके लिए नहीं, ये चीज आप अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, ये बहुत साइंटिफिक है, ठीक है, मुझे भक्त ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज, बहुत अच्छा। देखिए हमारे दिन में कितना घंटा है, 26 घंटा, 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको दे रहे भगवान, कितना 24 घंटा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 3 से, कितने से, अरे 3 से कहां दिमाग है, तो 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया 8 स्लॉट बनाओ, 8 8 8, 8 3 20 5, और मैथ स्टूडेंट हो, ध्यान रखना, इसलिए प्रोसी में डर गया, जब आया बोल रहे मैथ सिंपल मैथमेटिक्स करने में भी मुझे डर लगता है क्या 8 3 24, 8 hours का स्लॉट बनाओ। अब 8 hours का पहला स्लॉट बनाओ, कितने बजे बोला उठने के लिए, 3:30 बजे, 3 to 11 AM, 11 AM to 8 PM, एंड 8 PM to again 3 AM, नोट करो, करा नोट, हाँ नोट किया, नोट करो, ठीक है। 3 स्लॉट बनाया, अब तीनों को सेट करो रजो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पर सेट करो, देखो क्या कुछ आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग भी, सभी के लिए टास्क दे रहा हूं मैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए उनके लिए भी, देखिए सेट करिए, क्या कुछ अनुभूति हो रही है आपको। पहले जोड़ो 3 से 11, 11 to 8, ठीक, एंड 8 to 3, 3 स्लॉट बनाया। अब तीनों को पहला डालो सत्वगुण में, दूसरा डालो रजोगुण में, और तीसरा डालो तमोगुण में, हाँ सतो रजो और तमो, कुछ समझ में आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत अद्भुत है ये, मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अद्भुत है। आप अपने बच्चों का भी टाइम इस प्रकार से ही सेट करिए, जो गृहस्थ माता जी प्रभु जी लोग सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज फिक्स योर, आपके बच्चों का टाइम इसी प्रकार से फिक्स करिए, 3 to 8, 8 to 3 to 11, 11 to 8 and 8 to 3, सत्गुण रजोगुण तमोगुण। सत्गुण के कार्य बताओ, सत्गुण के क्या कार्य हमने गिनाए थे बताओ, एक मिनट रुको, ऑनलाइन डिवोटीज बताओ सत्गुण के क्या क्या कार्य थे, ज्ञान स्वास्थ्य और धर्म सुख, सुख सुख, पहला शब्द क्या था, ज्ञान। ज्ञान ग्रहण करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट समय क्या है, सुबह का, सुबह का, कितना बजे से कितना बजे, 3 to 11 PM, 3 to 11 AM, नोट इट डाउन। ज्ञान ग्रहण करने का, साधना करने का, भक्ति करने का सबसे बढ़िया समय क्या हुआ, 3 to 11 AM। अब आ जाओ रजोगुण का क्या था प्रभाव,
राग और तृष्णा। क्या क्या था? राग और तृष्णा, बच्चे, संपत्ति, बच्चे, बीवी और उसके अलावा सम्मान प्राप्त करना। सम्मान प्राप्त करना धनोपार्जन था, सम्मान था, और एक क्या था? ठीक है, वो सब चीज काउंट नहीं कर। चलो ठीक है, 11 to 8 PM क्या हो गया? धनो उपार्जन का, धन कमाने के लिए अथवा अन्य जो आपकी है वो सारी चीजें करने के लिए क्या हो गया? 11 to 8 PM। अब 8 PM का जो है वो घोर अज्ञान का समय होता है। अब आप यहां अनुभव करेंगे जो चीज नाइट को जगते हैं, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं, कि हमने तो किया है, कि जैसे जैसे रात अधिक होते जाती है मन में जो है गलत गलत भावनाएं अधिक उत्पन्न हो जाती है। गौर किया है कभी? होता है कभी? वो माता जी हो या प्रभु जी हो, कभी किया है? अनुभव करना कि जितना रात जगते जाओगे उतना क्या होगा? हाँ, क्या होगा? गलत विचार मन में आते जाएंगे, उतना गलत विचार आएगा, ध्यान रखना। एक जितना राग लेट नाइट करोगे उतना एकदम मन में गलत विचार आते जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में उसी प्रकार से शुद्ध विचार भी आते हैं। क्या कभी देखा है? मॉर्निंग में कभी उठते हो तो मॉर्निंग में एकदम शांति महसूस नहीं होती है, हाँ, फ्रेशनेस लगती है, और उठते एकदम हरिनाम जप करो तो बहुत अद्भुत लगती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं विश्वजीत ब्रू? इसीलिए ये जो टाइम सेट किया गया है ना, ये गुणों के अनुसार है। अब हमने क्या किया, गुणों को चेंज कर दिया। प्रभु जी आई वॉन्ट टू स्टडी लेट नाइट, बहुत रात तक पढ़ाई करना चाहता हूं। ध्यान रखो एक सर्वे है, एक सर्वे के अनुसार से रात के, रात को पढ़ने वाले लड़के होते हैं फिसड्डी जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं उनकी तुलना में, ठीक है। ये सर्वे कोई सर्वे नहीं है, ये फिक्स ही है, क्योंकि रात को पढ़ेंगे तो दिमाग में उतना नहीं जाएगा जितना मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो। बोरिंग लगता है रात को, है ना? यस, खाली देखते हैं, बोरिंग लगता है। इसलिए इस प्रकार से आप सभी भक्त अपने लाइफ को सेट करो 3 to 11 AM। अब देखिए प्रोजी हमें ऑफिस जाना होता है तो 3 to 9 AM, 5 to 9 PM, चलो 8 घंटा मत दो, 4 घंटा भक्ति को दे सकते हो, 3 hours दे सकते हो। 5 to 8 AM, हमने तो घटा करके इसको मात्र 3 hours कर दिया है, 5 to 8 AM, है ना? और उसमें भी लोग नहीं आ पाते, तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इस प्रकार से ही करने से, और ये ध्यान रखिए मैं एकदम बोल रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों के भी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं आप इस चीज को फॉलो करिए, एकदम कोई रोक नहीं सकता है, नो वन कैन स्टॉप यू। अब मैं थोड़ा मेटेरियली जा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, पता नहीं मैं कभी जाता नहीं हूं लेकिन मैं जा रहा हूं। हमने सुना है कि जो हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति है, मतलब भक्ति में नहीं कह सकता, मेटेरियली, उनका भी शेड्यूल आप देखें तो वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, देखा है? और जो व्यक्ति लेट उठता है वो का मन नहीं लगता है। यानी इमेजिन दैट, मैंने कुछ दिन पहले एक माता जी को फोन किया था, सी वॉज नॉट कमिंग इन क्लास एंड सी टोल्ड प्रोजी मैं 12 बजे उठती हूँ और 2 बजे ऑफिस जाती हूँ, क्या स्थिति होगा उनका बताओ? भगवान ने अगर ये व्यवस्था की है, बहुत सोच समझ के किया है, और अगर हम उसको छेड़खानी करेंगे तो फिर जो हो रहा है सो होते रहेगा। She told me that I will come in class for you, but still she is not able to come. देख रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया ना, प्लीज प्लीज मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से, और जितना हो सके तो प्रचार करो भक्तों, मतलब लोगों को बोलो भाई इसी प्रकार से टाइमिंग सेट करो, मॉर्निंग का थ्री जो तत्वगुण का समय है को पढ़ाई करने में, साधना करने में, भक्ति करने में लगाओ,
दोपहर का समय जो है उसको धनोपार्जन में लगाओ, और 8 घंटा सोने में, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। 8 घंटा नहीं सोना है तो थोड़ा और सब 6 घंटा ही ना, फिर 6 घंटा सो, थोड़ा और जल्दी उठ जाओ। हाँ 6 घंटा ही ना, फिर 6 घंटा। अरे प्रभुपाद जी 1.5 घंटा सोते थे, 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा पूरा कर लेते थे नींद। अब सोचो कैसे करते थे, हैबिट। आपको उस स्थिति में होना पड़ेगा। अब अभी मैं बोलूंगा प्रभु जी मैं भी कल से 2 ही घंटा सोऊंगा, नहीं होगा। आप उस प्रकार से सेवा भी नहीं कर रहे, रूपा जी की सेवा की स्तर वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात को, दिन में सोने की आदत है, और दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, और अगर सो नींद भी आए तो 15 मिनट्स, कितना 15 मिनट 15 मिनट। मैंने पढ़ा था कोई आचार्य था, शायद ठाकुर भक्ति विनोद या किन्हीं के बुक्स में मैंने पढ़ा था, कहीं पे लिखा हुआ है 14 मिनट ओनली मैक्स टू मैक्स, अगर सोना है तो उससे अधिक नहीं। हाँ 14 से 15 मिनट, उससे अधिक नहीं सोना चाहिए। 14-15 मिनट में नींद ही नहीं आती है। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने शेड्यूल को सेट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अनुवाद में चलते हैं। तमोगुण व्यक्ति को क्या करता है, भक्ति को, मतलब भक्ति को समझने नहीं देता है, और निर्दनंती को इसलिए क्या करना चाहिए, उसे पानता है, इसलिए भरत पुत्र आप उसे क्या करो, छोड़ दो। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं भी आप लोग सभी को बोल रहा हूं, हे भरत पुत्र, भारत के रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के डिवोटीज, प्लीज सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ मतलब तमोगुण की वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहे हैं ये भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते। अब देखिए, अच्छा आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सबसे अच्छा चैप्टर है प्रभु जी, लग रहा है संगर प्रभु है? लग रहा है कि सबसे अच्छा चैप्टर है, बहुत अद्भुत चैप्टर है, बहुत अद्भुत चैप्टर। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, क्या आपने महसूस किया है कि सवेरे हम कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बर्तन धोना ही क्यों ना हो लेकिन सवेरे बड़ा अच्छा लगता है, या कपड़ा या फिर पढ़ाई करना हो अच्छा लगता है। सोचिए जो जीवन की सबसे बड़ी साधना है भगवान का नाम जप, अगर वह हम सवेरे करेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा बताइए। जब भौतिक कार्य करना इतना अच्छा लग रहा है, सवेरे आप कोई भी कार्य करें आपको अच्छा। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बताया कि यह श्लोक बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था, वैसे हमारी भी स्थिति थी पहले, और एक बार मैं मुश्किल से ठंडी के दिन में भी मॉर्निंग में जग गया, ठंडी के दिन में मॉर्निंग में जग गया, और मेरी इच्छा हो गई साधारण तक कि चलो क्यों नहीं मॉर्निंग वॉक किया जाए, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और मैं बाहर गया घूमने के लिए, बड़ा अद्भुत लग रहा था, और उसमें स्टेटस फेसबुक आ गया था, व्हाट्सएप आ गया, तो सोचा एक सेल्फी ले लो और डाल दो, मॉर्निंग वॉक इन विलेज। तो मैं गया था नदी, जैसे फोन से सेल्फी लिया फोन गिर गया नदी में। तो मैं खाली बोल रहा था कि भाई कोई भी व्यक्ति जब मॉर्निंग में उठता है तो उसके मन में कुछ अच्छे विचार ही आते। ये बहुत पहले की बात, और पहली बार मैंने स्मार्टफोन लिया था। सबसे जो हमारी सबसे बड़ी साधना है भगवान का नाम, उसे हमें कब करना चाहिए, इवनिंग में 8 बजे के बाद, नहीं कब करना चाहिए, मॉर्निंग। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, वाज टेलिंग कि कंप्लीट योर राउंड बिफोर मंगला आरती, 4 बजे से पहले अपना मंगला आरती अपना राउंड्स कंप्लीट। मैं पढ़ा था महाराज के विषय में, और मतलब अद्भुत लग रहा था कि श्रील प्रभुपाद की इतनी सेवा कैसे कर पा रहे थे। तब जब उनका लेक्चर सुना और जब मैं ये शब्द सुना कि भाई 4:30 बजे से पहले अपने राउंड्स कंप्लीट कर लो, फिर मैं बोला भाई अब फिर मैं क्या, मतलब ये
तब ये कर रहा था मन में कि भाई कैसे कर पा रहे हैं, क्या प्रश्न उठा रहा था। अद्भुत, बहुत अद्भुत, देखिए है ना। अब देखिए कि सवेरे का समय भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है, अगर नींद आ भी रही हो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है भागवत सुनना। तो आवश्यक है कि सुबह का समय हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में जो साधना है उसके लिए बिल्कुल अच्छे से लगाएं, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करें मोबाइल में, एक मिनट में भी नहीं। दिन भर मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मॉर्निंग का समय क्या होता है, क्या होता है, एक एक समय जो है ना मतलब डायमंड से भी ज्यादा कीमती है प्रो, एक एक सेकंड। इसलिए नो वेस्टेज ऑफ टाइम, आई विल डू एवरीथिंग लेटर, मुझे पहले मॉर्निंग में साधना करने तो अपनी भक्ति करने तो, फिर बाद में जो करना कराओ, लेकिन मॉर्निंग में अपनी साधना कर, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। हाँ चलेगा, स्टार्ट हुए कल से सो जाओ करो, ठीक है। तो 9 बजे आज कल से हम लोग सो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एक मिनट भी वेस्ट ना करें। हमें लगेगा कि अरे प्रभु जी 2 घंटा तो सवेरे बोलते हैं आप, आधा घंटा तो सवेरे देने के लिए बोलता, कल से मैं दिन भर में आधा घंटा निकाल ही लूंगा। लेकिन फिर मन में लगता, जैसे सोचते हैं ये काम कर लेते हैं फिर इसको निकालेंगे, ये काम कर लेते हैं फिर इस कर लेंगे, ये काम कर लेते हैं फिर कर लेंगे, और फिर नहीं हो पाता है। और शाम को सिर्फ जब माला करने बैठते हैं तो क्या होता है, राउंड्स होते हैं, जस्ट काउंटिंग होता है ना। एक सन्यासी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, वह 2 लाख नाम जप करते हैं, कितना 2 लाख नाम जप करते थे, और बोलते थे कि भाई सवेरे 3 से 6 का जो समय है बस उसमें ही जप होता है, बाद बाकी तो खाली खाना पूर्ति होती है। जो व्यक्ति 2 लाख नाम जप कर रहा है वह इस प्रकार से बोल रहा है कि 3 से 6 जप कर रहा हूं वही जप है, बाद बाकी तो खाना पूर्ति है, तो हमारी क्या। एक और सन्यासी कहते हैं भाई 4 से 6.5 जो जप होता है बस वही जप है, और कहते हैं वो कि अगर आप इसमें जप कर लिए अपने राउंड्स तो आप बड़े सुखी रहेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। और सब लोगों को ये बात दिख भी रहा होगा जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जहां सूरज उगा सूरज की वहां से लाइट आती है, और क्या होता है घड़ी पे नजर चल जाती है ना, यहाँ जाना है वहां जाना है ये करना है वो करना है, यस नहीं लग पाता दिया। इसलिए मॉर्निंग में जब करना है एकदम, कल से और थोड़ा जल्दी उठना है ना, ओके मन भागना शुरू हो जाता है। इसलिए एकदम ध्यान रखिए कि सवेरे उठकर जितना जल्दी से जल्दी हो सके 16 माला कंप्लीट कर लेना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, उसके बाद बाकी सारे कार्य आप बाद में कर लिया करो, दिन भर तो पड़ा हुआ है सारे कार्य करने के लिए, मॉर्निंग मत छोड़, ठीक है। और आप अगर आप पूरा कर लेते हैं, ध्यान रखिए, तो आप महसूस करते हैं कि अरे अब हम कृतार्थ हो गए ना, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए कल से मॉर्निंग में जप नहीं करना है, इसलिए कल से एकदम मॉर्निंग में जप करना है। ये जो 50-60 लोग आए हुए हैं ना, सब आइए मॉर्निंग में 5 AM। किशन प्रभु भी पहले 4:30 बजे जब शेयर करते थे, अब तो 5 बजे शेयर करते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे आजकल देखता हूँ 5:15, कभी कभी मैं कॉल करूंगा तभी होता है, फिर धीरे 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 5:30, 6, 7। प्रभु जी दिन भर तो 24 घंटा पड़ा हुआ है, कभी भी 2 घंटा निकाल के भक्तों को बोलूंगा जब कर ले। तो ऐसी स्थिति आएगी अगर हम विल पावर ऑफ कर लिए कि हमें करना ही है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोगों का? गीता भूषण टीका और तात्पर्य हम लोग कल पढ़ेंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस। कुछ कमेंट आया है? हरे कृष्ण। एवरी मॉर्निंग, ओके। कुकुर पेठा, व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। शांति मिलती है, शांति बहुत मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस पूनम माता जी।
कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नो क्वेश्चंस? नहीं, नो क्वेश्चंस प्रभु जी। अरे कृष्णा, श्रीदंडोत्तम, लिसनिंग कीर्तन ड्यूरिंग जपा विल बी एप्लीकेबल और नॉट? नॉट। हु टोल्ड यू टू डू दिस? जपा करना मतलब केवल जपा करना, कीर्तन के समय नो जप, ठीक है? और अगर कीर्तन चल रहा है तो या तो आप बाहर जाके जप करो, और अगर ऑनलाइन में जैसे क्लास में आना है और कीर्तन चल रहा है तो आप म्यूट कर लो और फिर जप करो, लेकिन उसमें केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र छोड़। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं पारायण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, पारायण होगा, सुन लेते हैं। सुन नहीं लेते हैं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए अपने मन मन। सुन लेते हैं मतलब एकदम जबरदस्ती लग रहा है प्रभु जी, जबरदस्ती करा रहे हैं, ठीक है प्रभु जी, नहीं मानेंगे, करना ही पड़ेगा हमको अब, ठीक है चलो। हरे कृष्णा, पढ़ाई।